ये लड़का इतना प्यार कर रहा है ना मेरे से, क्योंकि थोड़ा सा काम ना ज़्यादा है, टाइम कम दे पा रही हूँ मैं इसको, इसलिए। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन विद अ न्यू व्लॉग। आज हमारे घर में है मेहंदी प्लस डीजे नाइट, देखते हैं अभी क्या सीन है उसका। अभी भी मैं लेट उठी थोड़ा, क्योंकि रात को क्या हुआ, सुबह 6 बजे सोई हूँ और अभी 11 बज गए हैं। अभी अभी उठी हूँ, माहौल दिखाती हूँ घर का क्या है इस टाइम पर। दू तो घूम रहा है घर में, मम्मी जो है वो अभी हलवाई लोगों को छोले बनेंगे, उसकी तैयारी वगैरह हो रही है। घर में कोई नहीं दिख रहा, कोई भी नहीं है, क्योंकि सारे लोग ऊपर गए हुए हैं। अकल गुड्डू ने किसी को काट भी लिया था, बदतमीज लड़के ने, इसलिए सब दोबारा डरने लग गए इसे। वरना सबको लगता कोई बात नहीं, गुड्डू जो है सॉर्टेड है सब कुछ। बट ठीक है, अभी ऊपर चल के मिलवाती हूँ मैं आप लोगों को। ऊपर का माहौल तो ये है, सुबह सुबह भी एनर्जी है सब। गाइस गाइस एनर्जी बहुत है, लेकिन अभी हमारा गला खराब हो चुका है भाई, मेरा भी गला गया। हाँ तो मर्जी हमारी। थर्ड गिफ्ट आलिया आ चुके हैं गाइस आज के मेकअप के लिए, और हम लोग इतना लेट करते हैं ना, हम क्या बताएं, हमारी लेट चल रही है, सोते लेट है यार, इतना सारा प्लानिंग हो जाता है। इन्हें मारो तो, भाभी बनी पड़ी है देखियो। क्या भाभी? आंटी कहेंगी बिजली भूखना चाहती है तुम, जलते दिए हो गए हमारे हमारे यहाँ की बिजली भूखना, बंद कर उसे। पकड़िए दोबारा, घूम के घर चाय। गाइस अभी हेयर जस्ट स्टार्ट हो गए है, ये तो कल का भी प्यारा हुआ था, पर इसको मैं कह रही थी खोल ले भाई, देखा ओ भाई बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे मेरे हो रहा था। अब तो फिर भी अभी मैं करूंगी तेरे जो तू मेरे कल कर रही थी ना, अभी रुकी हुई थी। क्या चाय पियो, ऐसे करो मित्रो। टमाटर बन रहे, क्या बन रहा है आज? ब्रेड पकौड़े। यहाँ सब लोग बैठे हैं, चाय शाय पी रहे हैं, बातें शाते हो रही है। सारे बच्चे उठ गए हैं, अब हम लोग इसको फोल्ड करने जा रहे हैं, ठीक है। और पकोड़े भी ना ऑलमोस्ट बन गए हैं, मेरा और बैनी का डिब्बा ना पकोड़ों के काम आ रहा है आज। और अभी बस सब लोग बैठे हैं खाने की वेटिंग पे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अरे रेडी हो गई आज मम्मी, सब पागल लग रहे हैं। दीदी भी रेडी है, ये तो सो के उठा है, उनका पता लग रहा है, हम तो पागल लग रहे हैं। मैं भी नहा लूंगी यार, पागल लग रही। हाँ अभी अर्शिका का मेकअप स्टार्ट हो गया है, आलिया सुपर बिजी है उस पर, इस बारी थोड़ा सा टाइम कम है, क्योंकि और भी मतलब बहुत ज़्यादा शादियाँ हो रही है, तो अभी मैं अपना हेयर वगैरह नहीं करा रही, अभी देखते टाइम बचेगा तो मेरे हेयर हो जाएंगे। बलिदान दिया है मेरे, कोई बात नहीं, मुझसे प्यार करने लगी नहीं, ब्राइड इज मोर इम्पोर्टेंट। थैंक यू, उसे ग्लास ले आओ, दो ले आना, ये भी ओए कर रही है तो मतलब इसको भी चाहिए। हाँ ठीक है, तो अभी मेकअप का हम ना फाइनल यही है, देखो यही खाने वाला है। नहीं नहीं फाइनली मैं खा रही हूँ, सबसे लाल बहुत बिजी हूँ, सबसे ज्यादा मेरे पे काम है, कुछ भी नहीं कर रही मैं ऐसा तो, पर मैं मेरे से छोटे छोटे काम बहुत करा रहे हैं ना भाई। अम्मी तो खा रहे हैं, आप भी खाओ। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, पकौड़े खा लो। पहले अपनी आवाज ठीक करो, जो अभी शादी से पहले खराब कर दी आपने। ये तो खाते हो दिखाते रहते हो आप, ये हमेशा। तो मैं अपने आप को भी तो दिखा रही हूँ यार, मैं तुम्हें तो भी दिखा रही हूँ, फिर मैं भी तो खा रही हूँ ना गाइस। भाई वो देर को वैसे भी दिखा देगी ना तो भी लगेगी तू खा के जाइए। जिसको चावल लेने भेजा मैंने, बोला फ्लावर मत लाइयो, चावल ले आइयो, ये कितना कंफ्यूज हुआ है ना। मेहंदी वाले भैया आ गए, लेकिन अभी मेकअप वाली दीदी मेकअप कर ले पहले। और मेरी शक्ल देखो एक बारी, हर्षित और हर्षित भैया वैसे ना सच में लड़की का भाई वाला रूप निभाया। और ये भी मैं इसने अब खाया सुबह से,
चावल लेके आ रहा था। चावल? अरे चावल क्या हुआ, चावल क्यों रोक दिया तुमने? हर कोई डम यार, मैं डम नहीं। एक बार बता, मैं तुझे बोलूं फ्लावर बुके है। हाँ। वो मिल गया है 2 मिनट भाई। सो गाइस, मेहंदी वाले भैया भी आ चुके हैं इनका पेज में। भैया हाय बोल दो। अभी मेहंदी लगेगी बहुत ज्यादा मस्त। अब भैया आ चुके हैं, मेरी मेहंदी है अर्चिका की। मेरी तो हालत इतनी खराब हो रही है ना, मैं क्या बताऊँ। बट कोई बात नहीं, अभी मैंने खाया भी नहीं, पहले उसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। थोड़ा सा बैकड्रॉप चेंज हो रहा है पीछे का, क्योंकि आज हल्दी नहीं है ना, आज मेहंदी है। ओ ये मेहंदी का है, ऑलमोस्ट डन। मैं तो काम कर ले जा रही हूँ घर के, मेहंदी अभी बाहर डेकोरेशन चल रही है ना। ये लो दोस्तों, मेहंदी गाइस, हल्दी हो चुकी है। पूछ ठीक है गाइस। और इस शादी के बाद पापा को डेकोरेशन का काम आने लगेगा। मुझे बुआ बोल रही थी कि तुम्हें मतलब शादी ऑर्गेनाइज करा करो, मतलब शादी तो अच्छी है। हाँ सेंटर है। सो गाइस, इसका मेकअप तो हो गया, मीला रह गया, कोई बात नहीं। थैंक यू आलिया, वेलकम। आप लोगों को पता ही है आलिया का, तो हम कराते रहते हैं। सो आप लोग आलिया से मेकअप करा सकते हैं। अब तो प्रमोशन की नीड नहीं है, आलिया ऑलरेडी बुक्ड है तब तक। बट स्टिल आप लोगों को कराना, आगे आपके कभी भी होना आलिया से ही कराना। बहुत प्यारा हेयर स्टाइल किया है यार, सबको पता चलेगा, बहुत प्यारा लग रहा है। चलो एटलीस्ट तू रेडी। सो गाइस, मैं अब जाके फ्री हुई हूँ, और मैं सोच रही हूँ नहा लेती हूँ पहले। ये तो बच्चे उठे, एक चिज्जी खा ली इन्होंने। क्या हो रहा, कैसे रिएक्शन दे रही है ये? रुक जा, मेरे को तूने क्या किया है? रुक जा, नशा करने दे। ब्लॉग में गाइस ये देखो, विक्स के नशे करता है, गलत मत लेना, कहीं आप लोग सोचो कि मेरा भाई बिगड़ा हुआ है। सो गाइस, मेहंदी हो चुकी है, स्टार्ट स्माइल। सो गाइस, अर्शिका की मेहंदी तो लगी रही है, पर ना एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। लाइक लिटरली हमने जिस प्राइस पे बात करी थी कि उन्होंने ये बोला था इस प्राइस में हम आपको इतना बेस्ट करके देंगे, और आप जो भी प्रमोट वगैरह कर देना, आपको पता है ऑब्वियसली थोड़ा बहुत उन्होंने बोला था। बट अब एंड टाइम पे वो क्या कह रहे हैं, कोई बात नहीं मैम, प्रमोट मत करना, ये दिक्कत नहीं। और अभी मतलब मेहंदी के डिज़ाइन में भी वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हम देख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो बातें एटलीस्ट हमें बताना चाहिए था, क्योंकि ये नहीं है कि वो पूरी दुनिया में वो अकेले ही हों जिनसे हमें कराने। हमारे पास और भी, इवन उसके बाद भी ना, मेरे पे 2-3 लोगों ने पूछा था, बट वर्ड्स जो होते हैं ना, वो वर्ड्स ही होते कि हमने आपको बुक कर लिया है, हम आपसे ही कराएंगे। मेरे को उसके बाद 3 लोगों ने पूछा, मैंने उन 3 को मना किया है कि नहीं कराना। मैं स्पेशली नेम भी मेंशन करूंगी, क्योंकि ये चीज़ गलत है। अगर आपको अभी भी मैंने कॉल पे बात करी, कोलैबोरेशन का मतलब नहीं पता तो कोई बात नहीं, बट एंड टाइम पे आप किसी का ना बड़ा दिन स्पॉइल कर रहे हो, ये चीज़ क्लियर है। बाकी मतलब डिज़ाइन वगैरह में कोई ऐसा इशू नहीं, डिज़ाइन वगैरह सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा है, बट जो चीज़ हमने एक्सपेक्ट करी थी ना, वो नहीं हो रही है। बट कोई बात नहीं इससे, बट स्टिल चीज़ें ना क्लियर होनी चाहिए। मैं किसी से भी बात करती हूँ, मैं ऑलरेडी क्लियर करके रखती कि मैं आपको इस वे में क्या चीज़ की क्या प्रमोट होगा। बट ये एंड टाइम पे जो एक एटीट्यूड होता है ना कि नहीं आप मत करो, तो हम वो भी कर सकते हैं। हाँ मतलब बहुत, तो मैं स्पेशली नेम मेंशन करूँगी, अमित मेहंदी आर्टिस्ट नेम है। बहुत गलत चीज़ है ये, बट सीरियसली और बहुत अनप्रोफेशनल है। अगर मतलब हमें किसी को बुक करना होता तो देयर आर मेनी ऑप्शंस जो ठीक है करके देते हैं। अगर एक कमिटमेंट नाम की चीज़ है ना, तो मैं आपको बिल्कुल भी पर्सनली रिकमेंड करूँगी, इनसे बिल्कुल भी मत करवाना, बिल्कुल भी मत। मतलब डिज़ाइन वगैरह इज़ ओके, बट एक बंदे में वर्ड्स नाम की चीज़ नहीं है, दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग।
मतलब किसी का स्पेशल डे, मतलब अभी भी उसका फेस देख के आप लोगों को भी पता लग रहा होगा। तो गाइस बाकी भैया बहुत प्यारी मेहंदी लग रहे हैं, यहाँ पे देखो पूरा ऐसे दुल्हन बनाई है, बहुत प्यारा डिजाइन लगाया है, वीर भैया लगा रहे हैं। एंड मतलब ना वैसे तो अमित भैया की बातों में भी है मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, बट जो चीज़ अभी बात क्लियर हो रही है ना वो चीज़ की बात करूँ कि अभी भी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती थी, बट कोई बात नहीं एनीवेज। और ये वो भैया नहीं है, कहीं आप लोग सोचो ये वो वाले भैया है, ये दोनों मतलब उन्होंने भेजे हैं, उनके थ्रू आए हैं, बट इनका काम बहुत प्यारा है। ऐसा नहीं कि डिज़ाइनर बिल्कुल भी ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, बहुत प्यारा डिज़ाइन लग रहा है। इधर मतलब दुल्हन है एंड उस साइड में ऑब्वियसली दूल्हा जी बनेंगे, काफ़ी नीट वर्क है। कोई बात नहीं, खुश हो जाओ, डिज़ाइन तो अच्छा लग रहा है, मेन तो वही होता है, स्ट्रेस हो जाता है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, डिज़ाइन बहुत प्यारा लग रहा है तेरा ना। देख थंबनेल भी बनाना था इसी का, अब मम्मी की मेहंदी भी स्टार्ट हो रही है। ओ शकल स्माइल करो, मम्मी की भी लग रही है। हेलो मम्मी, मम्मी भी स्ट्रेस में हूँ, चल अच्छी लगाए वो तो लग जाएगी। नहीं बहुत मैं सो गाइस कैमरा हैंड ओवर हो चुका है आशी को, क्योंकि मेरी मेहंदी लग रही है। चलो अच्छे से कैमरा संभालना। ओके मैम, कैसा लग रहा हूं मैं? एक बार को देख, आशिक मां को तेरा इंतजार दे था। नहीं यार मैं वेट कर रही थी ताकि मैं व्लॉग शूट कर सकूं। सबको पता है तू सपोर्टिव है। हटा दी थी उसकी? नहीं कहां हटाई, सुंदर दूल्हा कहां है? दूल्हा उधर छुपा हुआ है। अच्छा दूल्हे का नाम क्या है? वो तो अभी लिखेंगे, छुपा छुपू अभी लिखा नहीं है, व्लॉग में दिखा देंगे तो कहीं व्लॉग में, व्लॉग तो बाद में डलेगा ना, चीटिंग नहीं क्या पता डल जाए, कहीं चीटिंग हो जाए तो छुपा देंगे, ऐसे छुपा देंगे। बस मेरी ना हाफ मेहंदी लगी और अभी मेरे ना हेयर भी नहीं हुए, मैं जस्ट नहा के आई थी, कपड़े पहने, मैंने फटाफट मेकअप किया, अभी रहती चीज है, पर हम ना मेहंदी लगवा के फ्री होना चाहते हैं क्योंकि काम करना है, कुछ होता है। अभी मेरी आगे की सूख रही है, मम्मी की आगे सूख गई थी तो पीछे की लग रही है, और अर्षिका को तो टाइम लग गया ही, उसकी शादी है ना इसलिए। शादी है, शादी है उसकी, शादी। और मेरी मेहंदी देख लो बहुत प्रीटी लग रही है। सो गाइस मौसी भी आ गई है, हाय बोल दो मौसी। हाय, अभी मम्मी की मेहंदी लग रही है, हो गई मम्मी की डन हो गई, मेरी बस पीछे की रहती है, और उसकी तो लगी रही है, वो तो तब से ही लग रही है। ठीक है मित्र, नहीं 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 गाइस उन्होंने डिज़ाइन को लेके मसला हो गया था, थोड़ा और ऊपर से चल गया था, बस वो बात सॉर्ट हो गई है। और सब लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं, आज का मेन्यू है राजमा चावल, सब लोगों का खाना पीना चल रहा है। अकेले अकेले ना पूछा अकेले अकेले था अभी नहीं पूछा था मैंने, से क्या पूछने से क्या थोड़ी ना बोला नहीं से ये पूछे रेडी होगी इन लोगों को खाने देते, वरना मुझे बोले जाते मैं खाते टाइम व्लॉग करने लगती। आपको मिलते एक बार मेरी मेहंदी सूख जाए व्लॉग, तब तक बाकी लोग ही करे, दूसरों को हैंड ओवर कर रखा है। एक और बात फिर से हेयर ऑफिस, क्योंकि कल का हेयर स्टाइल इतना मस्त था, आज भी आज पर मैं कुछ अपॉइंटमेंट लेके नहीं आई, भैया को कॉल किया था लगा नहीं, होप सो मिल जाए टाइम, बस चलते हैं फटा।
टर्न लाइक कर दो।